हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अमोनिया और अमोनियम डेरिवेटिव के साथ हमने देख लिया था ना। उसमें हमने बेकमैन रीअरेंजमेंट को पढ़ा था। वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या फिर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी इंपॉर्टेंट वो वहां पर वो रिएक्शन है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2, तो देखते हैं बच्चों एक एक करके। तो सबसे पहले रिएक्शन विद, अगली केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों आपकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं बच्चों किस तरीके से आपका रिएक्शन यहां पर प्रोसीड होगा। ठीक है, काफी इजी रिएक्शन है, तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर आपका रिएक्शन किस तरीके से होगा, देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर CH3CO OH या फिर मैंने यहाँ पर CH3C OH CH3, मैंने दोनों ले लिया बच्चों, दोनों की रिएक्शन अगर मैंने PCl5 के साथ कराया और यहाँ पर भी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ कराया, तो आपका क्या बनेगा, CH3CHCl Cl और यहाँ पर POCl3 और यहाँ पर CH3CCl Cl CH3 POCl3। इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। और इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आपका होगा बच्चों यहाँ पर POCl3। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, फॉस्फोराइल क्लोराइड। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखना चाहूं तो मैकेनिज्म कैसे लिखूंगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी है। देखो, एक बार मैं एल्डिहाइड को लेके देख लेता हूं। अब देखो, मैं दो बार मैकेनिज्म इसका डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराए तो PCl4 और PCl इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों में। PCl5 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, यहाँ पर लोन पेयर होगा। अब ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CO यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर PCl4 और यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, अलग से यहाँ पर आपका Cl- होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ऊपर खुलेगा और ये आपका कहाँ अटैक करेगा, इस पॉइंट पर अटैक करेगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा O, यहाँ पर आपका PCl3 और इस स्टेप को मैंने इस तरीके से वापस लिख दिया। PCl4 को मैंने PCl3 और Cl करके लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा और ये क्लोरीन आपका कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3CHCl Cl। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, डाइक्लोरो कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन किस टाइप का बनेगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे, अगर अगर आपका हेलाइड अगर एक ही कार्बन पे लगा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जेमिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल हैलाइड। ठीक है, और साथ में आपका क्या बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो साथ में आपका यहाँ पर क्या निकलेगा बच्चों, POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड। आई होप सो कि आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने मैकेनिज्म को अप्रोच किया है। अगला अब हम देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद एसीटोन। इसके साथ अब हम मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो, यहाँ पर CH3CO CH3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मुझे अगर PCl5 के साथ वापस से कराना है, देखते बच्चों मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट 100% सही निकलेगा, तो थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू जाना सीखिए बच्चों। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कार्बन के पास, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये अपना अटैक करेगा इस पॉइंट पर और यहां से आपका कौन बाहर निकलेगा, क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीन बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका इस तरीके से O प्लस यहाँ पर PCl4, यहाँ पर CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस आपका ये वाला बॉन्ड ऊपर खुलेगा और Cl माइनस आपका यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CO PCl4 और यहाँ पर Cl, यहाँ पर आपका Cl, ठीक, यहाँ पर आपका CH3, सॉरी यहाँ पर आपका CH3। अब इस PCl4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप लोग जानते हो बच्चों, सिमिलरली स्टेप है, देखो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका इस तरफ आएगा, तो जैसे ही आपका इस तरफ आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर भी आपका Cl, यहाँ पर CH3, तो मतलब यहाँ पर भी आपका जेमिनल जेमिनल हेलाइड बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जेमिनल हेलाइड बन जाएगा। अगर मैं इसका IUPAC नाम पूछूंगा तो काफी सिंपल है, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है बच्चों, ये इसका जेमिनल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और साथ में आपका क्या बाहर निकलेगा बच्चों, साथ में आपका यहां से बाहर निकलेगा POCl3। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको रिएक्शन कराना है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ अगर देखना हो मुझे, तो किस तरीके से करेंगे बच्चों रिएक्शन SOCl2 के साथ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं रिएक्शन विद SOCl2। तो SOCl2 में क्या होगा, यहां मैंने वापस से क्या ले लिया, CH3COH, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ लिया तो यहां पर आपका क्या बनेगा, CH3Cl CH Cl Cl, और यहां पर SO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। और अगर मैंने रिएक्शन एसीटोन के साथ कराया, किसके साथ कराया बच्चों, एसीटोन के साथ, बच्चों आप किसी भी कार्बोनिल बॉन्ड के साथ आप इस मैकेनिज्म के थ्रू आप ये रिएक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, आप लोग अगर करना चाहोगे तो आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है ये, आपका Cl, ये आपका Cl, यहां पर CH3 और यहां से कौन निकलेगा, SO2 गैस, ठीक है। अब इसका भी मैकेनिज्म हम देख ही लेते बच्चों, ठीक है, वैसे आप लोगों को लिखना चाहिए लेकिन इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, CH3CO, यहां पर आपका H, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो SO2 का स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, SO, ये आपका Cl, ये आपका यहां पर O बना देता हूं, यहां पर आपका सी है। अब देखो सल्फर के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो सल्फर के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से आपका कौन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, CH3, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस यहां पर आपका एस डबल बॉन्ड ओ और ये आपका सी एल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, Cl माइनस जो आपका बाहर निकला है ये अब आपका क्या करेगा बच्चों, यहाँ अटैक करेगा, अटैक कर गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका Cl, यहां पर आपका H, यहां पर आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर आपका एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आपका Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, सिमिलरली स्टेप है, देखो सिमिलर करूंगा मैं काम, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा और यहां से क्लोरीन आपका यहां अटैक मारेगा, ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से बताओ, यहां पर आपका बन जाएगा CH3CH Cl Cl, और साथ में यहां से कौन सी गैस आपकी रिलीज हो गई, SO2 गैस। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपका क्या बनाएगा बच्चों, जेमिनल हेलाइड, क्या बनाएगा, ये भी आपका जेमिनल हेलाइड। आई होप सो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इस रिएक्शन को प्रोग्रेस करवाना है, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन, अब देखो यहां पर इसके लिए मैकेनिज्म आपको लिखना है, ठीक है, इसके लिए भी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसके लिए भी देख लेते बच्चों, लगे हाथ, यहां पर मैंने एसीटोन बना दिया, अब इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, SOCl2 के साथ। अब अगर ध्यान से मैं देखूं तो यहां पर देखो
यहाँ पर इसके पास वेकेंट और यहाँ पर सल्फर के पास वेकेंट और बैटल होगा। अभी अपना लोन पेयर कहाँ देगा? वेकेंट और बैटल में देगा। जैसे ही वेकेंट और बैटल में अपना लोन पेयर देगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? यहां पर आपका CH3, CH3, यहां पर आपका O+ और यहां पर आपका सल्फर, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर Cl, और यहां से ये वाला Cl आपका बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला Cl आपका कहाँ अटैक करेगा? इस पॉइंट पर, और ये वाला ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3, C, CH3, Cl और यहां पर O, ठीक है, सल्फर और यहां पर क्लोरीन, यहां पर डबल बॉन्ड हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा और यहां से आपका क्लोरीन कहां अटैक मारेगा? इस तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, C, Cl, Cl, CH3, तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों? जेमिनल हैलाइड, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि PO, PCl3, सॉरी PCl5 और SOCl2 के साथ जब भी अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा? हमेशा हमेशा आपका बनेगा एसओ, यहाँ पर जेमिनल हेलाइड बनेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस, ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इसको ध्यान रखना है तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसका। इसको मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, इसका बताता हूँ आपको, मैकेनिज्म भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर मैंने इसको इस तरीके से कर दिया OH, OH और यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया, तो आप लोग जानते हो कि एक कार्बन पे दो OH आपका क्या होता है? अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे दो OH आपका अनस्टेबल होता है, तो ये आपका टूट के किसमें बन जाएगा? ये आपका टूट के इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से लिख दूं, थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर देखो PCl5 के साथ कराऊंगा तो यहां पर दोनों OH आपके हट जाएंगे, दोनों OH आपके हट जाएंगे, तो दोनों OH हट के आपको क्या लग जाएंगे बच्चों? ध्यान से, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर आपका CH3। तो देखो आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो आपका यहां से जो PCl5 से जो प्रोडक्ट बनाना था वो यहां से भी बन गया। इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया CHOHOH, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा? कार्बोनिल बॉन्ड की जगह दो OH लगा दो, या तो कार्बोनिल बॉन्ड की जगह दो OH लगा के Cl लगा दो। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग है ना ट्रिक पे ज्यादा मत जाइए, आप लोग मैकेनिज्म को ध्यान रखिए। मैकेनिज्म आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर मैंने PCl5 के साथ कराया, सॉरी, हाँ, ये आपका किससे बना होगा बच्चों? ये आपका कब होगा बच्चों? जब ये आपका ऐसा होगा तभी होगा। पहले तो इसको समझ लो, अगर मैंने यहां से दो हाइड्रोजन हटा के यहां पर मैंने H2O मॉलिक्यूल का लॉस कराया तो ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा? CH3, CH, दोनों OH हटा के Cl लगा दो, ऐसा ही बताया था मैंने बच्चों, वहां पर OH हटा के Cl लगाना है। अब देखो इसकी भी रिएक्शन PCl5 के साथ कराऊंगा तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन आप लोग ना ट्रिक पे ना जाओ बच्चों, आप लोग केवल और केवल किसको समझो कि रिएक्शन आपके किस तरीके से हो रही है, रिएक्शन को किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, ठीक है। आप मैकेनिज्म को ध्यान रखो, मैकेनिज्म आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो थोड़ा आप लोग मैकेनिज्म की ओर ध्यान रखो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, इसका विटिग रिएक्शन, ठीक है, विटिग रिएक्शन देखते हैं बच्चों। तो विटिग रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये विटिग रिएक्शन। और इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रिएजेंट हमने शायद से एल्काइल हैलाइड में बनाया होगा, विटिग रिएक्शन। अब देखो विटिग रिएक्शन हम किस तरीके से करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। विटिग रिएक्शन में क्या होगा? रिएजेंट, सबसे पहले रिएजेंट। अब देखो रिएजेंट को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले रिएजेंट क्या होता है बच्चों? PPH3+ अल्काइल हैलाइड। अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्काइल हैलाइड का आपका क्या हो जाएगा बच्चे? ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी, अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी से ही निकला है। तो यहां पर हमारा, यहां पर क्या बनेगा? विटिंग रिएजेंट,
क्या बनेगा बच्चों, विटिग रिएजेंट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा विटिग रिएजेंट बनता है। तो देखते हैं किस तरीके से आपका विटिग रिएजेंट बनेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, अब देखो PPH3 मतलब फॉस्फोरस के साथ तीन फिनाइल ग्रुप लगे। मतलब पीएच का मतलब कौन सा ग्रुप बच्चों, पीएच का मतलब ये वाला ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। डरना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर लोन पेयर होगा। नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप, देखो मैंने बना दिया अल्काइल ग्रुप RCH2X, अल्काइल हैलाइड मैंने बना दिया, अल्काइल हैलाइड मैंने बना दिया। अब क्या होगा, यहां पर SN2 टाइप अटैक करेगा, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर ये आपका अगर SN2 टाइप अटैक करेगा तो यहां से ये आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, जब ये यहां से अगर आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, RCH2, यहां पर आपका PPH3। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहां पर आपका पीएच ने लोन पेयर, फॉस्फोरस ने अपना लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा साइन, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका विटिग रिएजेंट आपका नहीं बना भी। अब देखो विटिग रिएजेंट बनाने के लिए हमको यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे मैं अगर बात कर लूं यहां पर PHAlI की बात कर लूं, BuAlI की बात कर लूं, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस का काम है यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ट्रैप कर लेगा, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, RCH- यहां पर PPH3+। अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा, RCH PPH3। अब ध्यान रखना ये केवल और केवल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इससे, ध्यान रखना। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, विटिग रिएजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, विटिग रिएजेंट। ठीक है, विटिग रिएजेंट में क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, ये वाला जो CH ग्रुप है वो R से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो फॉस्फोरस है वो आपके तीन फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कितने फिनाइल ग्रुप से, तीन फिनाइल ग्रुप से। तो ये आपका विटिग रिएजेंट होता है। और भी तरीके से हम बना सकते हैं विटिग रिएजेंट, इसमें कोई आपका दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझे विटिग रिएजेंट बनाना है तो देखो फिर से इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। दूसरे ग्रुप के लिए RCH X, ठीक है, ऐसा है मेरे पास। अब क्या करेंगे बच्चों अगले स्टेप में, ये जो आपका होगा ये आपका इस तरीके से यहां से आपका X बाहर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका RRCH PPH3, इसके ऊपर आपका प्लस साइन, इसके ऊपर आपका अभी कोई साइन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जैसे PHAlI के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, बेस आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, RC-PPH3 और यहां पर R और ये प्लस। अब रेजोनेंस होगा तो ये आपका किस तरीके से बन जाएगा बच्चे, यहां पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बन जाएगा इसका। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसका चार्ज वाला फॉर्म आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म। ठीक है, ये तो हमने विटिग रिएजेंट बनाया। अब इसकी रिएक्शन हमको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ किस तरीके से कराना है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस विटिग रिएजेंट। ठीक है, अब आपका रिएक्शन कैसे होगा उसको समझते ध्यान से। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, कोई भी एग्जांपल, एज एग्जांपल मैंने इस तरीके का कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसको एल्डिहाइड बोल दो या कीटोन बोल दो। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा था बच्चों, इसके साथ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये वाला नहीं, ये वाला विटिग रिएजेंट अभी मैं ले रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, RCH- और यहाँ पर PPH3, यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो ये वाला कहाँ अटैक करेगा बच्चों, इस पॉइंट पर। ठीक
ठीक है, वही मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला एक फंडा अब हर जगह चलने वाला है बच्चों, वही आपको यूज करना है। देखो यहां पर आर, यहां पर आपका सी एच, यहां पर पी पी एच थ्री और यहां पर ओ। और ध्यान से समझना, यहां से जो आपका लोन पेयर है वो इसको देगा और यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला यहां चला जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका होना है। नाउ अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। ठीक है, अब जब ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा, तो यहां पर इस तरीके से ये बन गया और यहां पर क्या आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आर। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड, और देखो ध्यान से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर पी डबल बॉन्ड ओ, पी एच पी एच पी एच। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, इस तरीके से आपका मीटिंग रिएजेंट का रिएक्शन होता है। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों, बाय मैकेनिज्म। ठीक है, बाय मैकेनिज्म एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, जब हमने ही, ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दूं बच्चों, और यहां पर मैंने ले लिया, ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं बच्चों आर सी एच टू सी एल, सॉरी बच्चों यहां पर मैं ले लेता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखो आर यहां पर सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच एक्स, इसकी रिएक्शन पी पी एच थ्री के साथ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इसके साथ, थर्ड आपको रिएक्शन कराना है इसके साथ। ठीक है बच्चों, ये आपका रिएजेंट है, अब आपको इसको प्रोडक्ट बताना है। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे कि पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड है, पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पीपीएच थ्री के साथ। तो इसका सॉल्यूशन समझते बच्चों, ठीक है, किस तरीके से हम इसको डील करेंगे, बाय मैकेनिज्म, हमेशा मैकेनिज्म का ही अप्रोच करना है बच्चों आप लोगों को, मैकेनिज्म अप्रोच करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो पीपीएच थ्री, अब ये लोन पेयर है, अब ये यहां अटैक करेगा और यहां से आपका कौन बाहर निकलेगा, एक्स बाहर निकलेगा। देखो अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में सी एच थ्री सी एच, यहां पर सी एच थ्री और यहां पर पी पी एच थ्री, अब इसने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस साइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ बच्चों, सेकंड बी यू एल आई, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, इसको क्या कर जाएगा बच्चों, ट्रैप कर जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को जब ये यहां से ट्रैप करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, इसके ऊपर माइनस साइन और इसके ऊपर पी प्लस पी एच थ्री। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो यहां पर सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपका ये वाला स्टेबल नहीं होता है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, ये मैंने बना दिया, काफी ईजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है बच्चों आपको, इसकी रिएक्शन आपको इसके साथ कराना है। ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपका सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ पर आपका माइनस साइन, यहाँ पर आपका पी पी एच थ्री प्लस साइन। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से रिएक्शन बन सकता है। देखो ध्यान से समझना, सी यहाँ पर सी एच थ्री में ट्राइस कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और ये आपका पी ए पी पी एच थ्री के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एच थ्री और यहाँ पर सी एच थ्री, ऐसा बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर पी ओ पी एच पी एच पी एच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पर विटिक रिएक्शन को अप्रोच करेंगे, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट,
तो बच्चों अब हम इसमें आगे इसके कुछ वो एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, देन आफ्टर हम इसको आगे की ओर मूव करेंगे चैप्टर को, ठीक है तो बच्चों? बच्चों अब हम थोड़े बहुत विटिग रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि किस तरीके से विटिग रिएक्शन के एग्जाम्पल को आपको डील करना है, ठीक है? एक एक करके देखते हैं बच्चों। यहां पर अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन क्या है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर वन आपका इस तरीके से CH2Br, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। PPH3, ये आपका फर्स्ट रिएजेंट, सेकंड BuLi, थर्ड थर्ड आपका यहां पर दिया हुआ है इस तरीके का कोई एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो कैसे सोल्व करूंगा बच्चों? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस रिएक्शन को हमको किस तरीके से सोल्व करना है। तो एक एक करके हम इस रिएक्शन को सोल्व करते हैं, ठीक है? थीके? तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन को अगर मैं एनालिसिस करूं तो सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूं तो यहां पर PPH3, इसके पास लोन पेयर होगा, ये आपका अटैक करेगा कहां? ये आपका अटैक करेगा CH2Br पे, ठीक है? अब ये लोन पेयर यहां जाएगा तो यहां से कौन बाहर निकलेगा? Br बाहर निकलेगा। जब यहां से अगर आपका Br बाहर निकलेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर आपका क्या बनेगा ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर आपका बनेगा इस तरीके का कोई रिएजेंट बनेगा, CH2PPH3, यह हो जाएगा आपका क्या, प्लस। और यहां पर अब देखो ध्यान से, यहां पर प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने आपका क्या दिया है बच्चों, लोन पेयर दिया है। अब सेकंड रिएजेंट आपका क्या है, यह आपका क्या होता है, बेस होता है। अब बेस का काम क्या है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और यहां पर आपका क्या बनाएगा बच्चों, ठीक है, यहां पर आपका CH- और यहां पर PPH3+, ठीक है? जब मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो CH=PPH3, इस तरीके से इसका आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी मेरे पास क्या बना है, ये अभी मेरे पास बना है बच्चों विटिग रिएजेंट। अब इस विटिग रिएजेंट की रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है बच्चों, इसके साथ। तो देखते हैं, अभी देखो बच्चों, यहां पर इसको CH3, यहां पर ये आपका CH2, यहां पर ये आपका CH2, क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ बच्चों? क्या लिख लूं बच्चों, C3H7, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर H। अब मैं रिएक्शन कराता हूँ, देखो उसके साथ रिएक्शन कराना है तो कि कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, काफी अच्छा रिएक्शन है। अगर इस तरीके से रिएक्शन हो गया और यहां पर आपका क्या है, CH- और यहां पर आपका PPH3+, अब देखो ये बॉन्ड यहां खुलेगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, C3H7। सेम सिमिलर, मैं कभी मैकेनिज्म में यहां लिखता हूं तो कभी यहां लिखता हूं, बात एक ही है बच्चों, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो इसके लिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है? तो यहां पर इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर आपका ऑक्सीजन, यहां पर आपका PPH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, तो आपका क्या बन जाएगा यहां पर, CH3H7CH=CH, ये आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, POPH3, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, POPH3। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने विटिग रिएजेंट का एग्जाम्पल किया है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं बच्चों हम किस तरीके से डील करेंगे। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चों, देखो ये मेरे पास ले लिया फिनाइल ग्रुप, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया CH2Br, अब इसकी रिएक्शन मैंने PPH3, ठीक है, सेकंड PHLi, कोई बेस ही लूंगा बच्चों मैं हमेशा, ठीक है। थर्ड में क्या लूं बच्चों बताओ, थर्ड में यहां पर ले लेता हूं
देखो यहां पर पीएच इस तरीके से कोई कंपाउंड में ले लेता हूं, ठीक है बच्चों, काफी इजी है। इस तरीके से मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूं। नाउ अब देखो बच्चों, इसकी रिएक्शन अगर मुझे डील करनी है तो किस तरीके से करेंगे। अब देखो सबसे पहला, एक एक करके सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहला आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर CH2Br PPH3, PPH3 के pH इसके पास लोन पेयर होगा, ये यहां अटैक करेगा, यहां से Br बाहर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काफी इजी रिएक्शन है बच्चों, PPH3 या आपका प्लस साइन। अब देखो अगले स्टेप में आपका क्या है बच्चों, बेस है, पीएच एलाई, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेना। तो यहां से अगर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, CH- और यहां पर आपका PPH3+। अब देखो अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, देखो यहां पर CH डबल बॉन्ड PPH3, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या है बच्चों, यहां पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अगर मैं अब इसकी रिएक्शन कराना चाहूं, देखो पीएच 1 2 3 4, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन, अब इसकी रिएक्शन मैंने इस तरीके से कराया, यहां पर CH- और यहां पर PPH3+, ठीक है। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहां जाएगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला यहां अटैक करेगा और ये वाला पॉइंट आपका यहां अटैक करेगा, आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं पीएच CH2CH2, इसको मैंने लिख दिया पीएच CH2CH2, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका इस तरीके से CH3 और यहां पर आपका CH, यहां पर आपका फिनाइल रिंग ये वाला, ठीक है, और यहां पर आपका ऑक्सीजन और यहां पर आपका PPH3, इस तरीके से इंटरमीडिएट बना लेगा, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां मूवमेंट करेगा, तो आपका क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, देखो फाइनल प्रोडक्ट में पीएच CH2CH2 CCH3, ये मैंने बना लिया इस पॉइंट को, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो यहां पर CH, यहां पर मैंने बना दिया PH और साथ में आपका क्या निकलेगा POPH3। इस तरीके से हम बेटा विटिग रिएजेंट का रिएक्शन देखेंगे। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन का। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन, रिफॉर्म मेस्टकी रिएक्शन। अब देखो रिफॉर्म मेस्टकी रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये भी काफी अच्छा रिएक्शन है, एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको ये वाला रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके ध्यान से, देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर बेटा आपका अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, अल्फा हेलो एस्टर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका क्या बनाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। और ये सब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी बच्चों, ZN के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में होगी बच्चों, ये सारे रिएक्शन आपके ZN के प्रेजेंस में। तो देखते हैं एक एक करके, देखो यहां पर सबसे पहले अल्फा हेलो एस्टर आपका क्या होगा, यहां पर CH2CO OCH3, ये मैंने बना दिया। अब देखो यहां पर मैंने Br लगा दिया, देखो इसके अल्फा पोजीशन पे आपका क्या क्या लगा हुआ है बच्चों, Br लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो एस्टर। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने अगर जिंक के साथ कराया तो जिंक क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, अब देखो जिंक यहां अटैक करेगा, ये वाला यहां खुलेगा
और ये किसके पास चला जाएगा बच्चों, ये आपका जिंक के पास चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से अब देखो, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना, सी डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ, यहाँ पर आपका जेड एन बी आर, ठीक है, सबकी वैलेंसी देख लो बच्चों, सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ये आपका इस तरीके से बन गया। तो ये आपका बन चुका है, देखो कैसे बना, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ से बी आर निकला, अब बी आर निकल के जेड एन के पास गया, और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज था, तो यहाँ पर देखो जैसे ही आपका, देखो ये आपका जेड एन आपका किसमें कन्वर्ट होगा, जेड एन प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड खुला, तो यहाँ पर जेड एन के पास बी आर चला गया, तो अगर एक बी आर अगर मैंने लगा दिया तो यहाँ पर जेड एन बी आर, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज, अब ये किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जा चुका है, ठीक है, इस तरीके से पहला स्टेप हो गया बच्चों, ये स्टेप वन। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, स्टेप सेकंड काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप सेकंड में मैं अगर आपको, आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड मैंने ले लिया, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, मैंने क्या ले लिया बच्चों, बेंजल्डिहाइड, बच्चों ये आपका बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी फॉलो कर रहा है, बस इसको ध्यान से समझ लेना, बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने। अब जैसे ही मैंने बेंजल्डिहाइड लिया तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ जेड एन बी आर, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर लो, यहाँ पर ओ सी एस थ्री, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर बना लेता है बच्चों, क्या बना लेता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर, थोड़ा सा ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर कंपाउंड, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर बना लेगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला बॉन्ड आपका जाएगा इस तरफ और ये वाला बॉन्ड जाएगा आपका इस तरफ, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, डबल बॉन्ड आपका जाएगा इस तरफ, क्यों, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और डबल बॉन्ड आपका क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, आपका डबल बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ट्रिपल बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो इस बार आप क्या बनेगा, ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा धीरे धीरे ध्यान से समझो इसको, ये बन गया बेंजीन, ठीक है, अब बेंजीन बन गया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओ, यहाँ पर ये वाला जेड एन बी आर के पास जाएगा, तो ओ जेड एन बी आर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका सी एच टू डबल सी एच टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ओ सी एच थ्री, ठीक है, बात क्लियर है, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक दो बार करना है बच्चों ध्यान से। अभी मैं इस स्टेप को एक बार आपको और बताता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख लो, एक और बार इसी चीज को समझ लेते हैं। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका चला जाएगा इस तरफ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड आपका नीचे खुलेगा और ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ध्यान से समझना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो इसलिए ये आपका अटैक करेगा, तो जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा माइनस चार्ज के साथ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन गया। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, क्या कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, ठीक है, जहां पर H पहले से था, यहाँ पर ये H पहले से था, तो H यहाँ पर क्या हो गया, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है बच्चों, और साथ में आपका क्या निकला बच्चों, जेड एन बी आर ओ एच, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब ध्यान से समझना बच्चों यहां पर, कि यहां पर अगर मैंने, यहां पर देखो ये अल्फा अल्फा और ये आपका बीटा, ठीक है, सॉरी यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनता है, ध्यान से समझ लेना, यहां पर क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसका फर्दर H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो आपको क्या बनेगा, यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, तो यहाँ पर आपका एल्कीन भी बनवा सकता है बच्चों, थोड़ा सा ये इस टाइप का रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, उसमें अलानाइन बनाने में, तो यहाँ पर ये आपका ऐसे भी बन सकता है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको बच्चों, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा बीटा अराइल,
ये आपका अराइल ग्रुप अराइल अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड एस्टर कंपाउंड भी बना सकता है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा बीटा अराइल भी हो सकता है, यहाँ पर आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर भी बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। अराइल बाद में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर सी एच थ्री होगा तो सी एच थ्री होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक बार फिर से देख लेते बच्चों। अब जेड एन ने दो इलेक्ट्रॉन खोया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन खोते यहाँ पर क्या बन गया, ये वाला बॉन्ड नीचे गया, यहाँ से बी आर निकला तो जेड एन बी आर प्लस। यहाँ पर जैसे ये वाला बॉन्ड नीचे जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये बना लेगा। नाउ अब क्या होगा कि ये वाला कंपाउंड मैं किसके साथ लूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मैंने ले लिया। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, देखो यहाँ पर जैसे ही ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पार्शियल प्लस होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, और बीटा पोजिशन पे हमेशा हाइड्रोक्सी आएगा। कौन से पोजीशन पे आएगा, बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड एन बी आर ओ एच, और अगर मैं इसका आगे कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ हीट कराऊंगा तो अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों अल्फा बीटा पोजीशन पे इसलिए आएगा क्योंकि ये आपका रेजोनेटिक स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ध्यान से इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको समझ में देना आ जाएगा, काफी इजी एग्जांपल है। तो इसमें मैं लेता हूं बच्चों, देखो इसमें मैं यहां पर ये इस तरीके से मैंने ले लिया, सॉरी इस तरीके से मैंने यहां पर सी एच टू सी ओ ओ सी एच थ्री रिएक्शन मैंने किसके साथ कराया बच्चों, जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन कराया। देन आफ्टर इसकी रिएक्शन मैंने क्या कराई, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री के साथ, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराया। नाउ अब फिर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, इसका देन फर्दर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बना वो आपको निकालना है। हाइड्रोलाइसिस के बाद में बात कर लेता हूँ, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद देन मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर भी डाल दिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर भी डाल दिया, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बना ये आपको बताना है, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही करके बच्चों इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जेड एन आपका अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा बच्चों, जेडन आपका अटैक करेगा, तो जेडन अगर आपका अटैक करेगा तो जेडन आपका यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा, इस तरीके से मैंने बताया था, और आपका क्या निकल जाएगा, जेडन बी आर बन जाएगा, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ जेडन बी आर, ये आपका बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ओ सी एच थ्री बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पर मैंने सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री लिया हुआ है, अब नेक्स्ट स्टेप में सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जेड एन बी आर यहाँ पर ओ सी एच थ्री। अब देखो ये वाला जाएगा इस तरफ, ये वाला बॉन्ड ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलेगा तो माइनस चार्ज आएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला बॉन्ड जाएगा आपका नीचे वापस, ठीक है। तो बात तो वही है, एक और बार ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से समझना। सी एच टू सी यहां पर क्या जाएगा, ओ जेड एन बी आर, ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, सी एच टू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर इसके लिए लिख रहा हूं बच्चों ओ सी एच थ्री, ये आपका सीधा जुड़ जाएगा इससे, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों सी एच थ्री। बच्चों ये आपका काफी एल्डोल कंडेंसेशन में आपको समझने में काफी अच्छा रहेगा, इसलिए आप इस टाइप के रिएक्शन को अभी से समझना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, ए कंपाउंड बन गया,
ये आपका बी बन गया। अब देखो इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, जहां पर जहां ज़ेडन भी आ रहे वहां क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, अल्फा यहां पर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता था, तो ये अल्फा तो ये बीटा, देखो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी आ गया। देन फर्दर अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तीन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो अगर देखो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, और एक आपका ये वाला हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है तो देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको बोलेंगे H1 प्रोडक्ट, ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको H2 प्रोडक्ट बोल देंगे, यहाँ पर सॉरी मैं लिख दो P1 प्रोडक्ट, ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो P2 निकाल देंगे, ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो P3 प्रोडक्ट। तो एक एक करके मैं P1 प्रोडक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले P1 प्रोडक्ट आपका क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3, यहाँ पर ये, यहाँ पर CH2 CO CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं P2 प्रोडक्ट बनाता हूँ बच्चों, तो P2 प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझो P2 प्रोडक्ट आपका क्या होगा, काफी इजी है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CO, सॉरी यहाँ पर OCH3 था, OCH3। ठीक है ये बन गया आपका P2, और आपका लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका P3। P3 क्या बनेगा, P3 प्रोडक्ट आपका, देखो ध्यान से देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा इन सब में से मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा। देखो ध्यान से समझेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड और CH3। अब देखो जहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ P3 प्रोडक्ट की, तो P3 प्रोडक्ट कंप्लीटली आपका किसमें, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेकिन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के बीच कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो ये तो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूंगा P1 और P2 की, तो P1 और P2 में मेजर कौन सा होगा, देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे बच्चों, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे बच्चों, 5 6 7 7, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे बच्चों, 4। तो कौन सा आपका मेजर हुआ, ये तो आपका मेजर हुआ, और इन दोनों में से कौन सी ज्यादा अमाउंट में बनेंगे बच्चों, ये वाला। ठीक है आई होप सो कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप इन्हें ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज मैं बच्चों इससे रिलेटेड DPP आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है तो आप उसको कर लेना। ठीक है आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।